नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर में आज ओलंपिक एसोसिएशन के कार्यकारिणी चुनाव होने हैं, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आज सुबह भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली से जबलपुर पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने डुमना एयरपोर्ट में उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वे एसोसिएशन के चुनाव में मतदान करने के लिए जबलपुर आई है। वहीं मीडिया के पेट्रोल डीजल मूल्य के सवाल पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि होने की वजह तत्कालीन कांग्रेस सरकार के द्वारा लिए गए गलत निर्णय है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यदि उस समय कांग्रेस की सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दामों के निर्धारण की प्रक्रिया अपने देश तक सीमित रखती तो आज यह स्थिति नहीं बनती, और इसके बावजूद आज कांग्रेस आंदोलन कर बढ़ते पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पर नौटंकी कर रही है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम तय किए जाने की गलत नीति की वजह से आज देश को महंगा पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। हाँ जी, आज मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के एक औपचारिक चुनाव है, उसमें मैं भी एक मतदाता हूँ उसी से आया हूँ। देखिए, कांग्रेस पहले ये सिद्ध करे कि उनके कार्यकाल में कभी महंगाई नहीं बढ़ी, उसके बाद उनको अधिकार है कि वे आंदोलन करें। क्या उनके कार्यकाल में महंगाई कभी नहीं बढ़ी थी? और जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव बढ़ने का विषय है, उसी में तेल के भाव भी बढ़ रहे हैं, तो ये सारे नियम कांग्रेस के जमाने में ही बने थे। कांग्रेस ने ही तेल के भाव नियंत्रण को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। वही कांग्रेस अगर आंदोलन करती है तो मैं समझता हूँ कि नौटंकी कर रही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।